फेसबुक पर बने अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई भारत की महिला अंजू मामले में सरकार गंभीर हो गई है। इस पूरे मामले में सरकार को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में स्पेशल ब्रांच को जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अंजू के मामले में कहा कि जिस प्रकार अंजू की पाकिस्तान में आवभगत हो रही है उससे कई शक पैदा हो रहा है। कई संदेह अंजू के पाकिस्तान पहुंचने पर पैदा हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इसलिए मैंने स्पेशल ब्रांच को बारीकी से जांच के निर्देश दिए हैं। टीम इसकी कड़ियां जोड़कर जांच करेगी। कहीं अंजू के पाकिस्तान जाने के पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? यह ग्वालियर जिले का मामला है। बता दें, अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस मूल रूप से ग्वालियर के बोना गांव के रहने वाले हैं। शादी के बाद अंजू अपने पति अरविंद के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। बताया जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। उसके ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने की भी बात सामने आ रही है। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमित शाह हमारे नेता हैं, जिन पर पूरी पार्टी को गर्व है। अमित शाह आधुनिक भारत के लोह पुरुष हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताया। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं, मंच पर बैठे लोग नहीं बनाते। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब अमित शाह जी की आंधी शुरू हुई है, कई नेताओं के तंबू उखड़ना शुरू हो गए हैं। प्रशासनिक सर्जरी पर कांग्रेस के आरोपों पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 15 महीनों में हजारों के ट्रांसफर करने वाली कांग्रेस सतत प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, जिन्होंने वल्लभ भवन का भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पूरा वल्लभ भवन दलालों से भर दिया, वो पार्टी सतत प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, ये शोध का विषय है। परिवार से छिपकर पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अब अपने पति अरविंद को फोन पर धमकी दी है। पति को धमकाने का एक ऑडियो इंटरनेट पर मीडिया पर बहुत चला भी, जिसमें अंजू ये भी बोल रही है वो बच्चों को उसके पास नहीं रहने देगी। उधर खुफिया एजेंसी की पड़ताल दुबई के उस शख्स पर जाकर टिक गई है जिससे अंजू की लगातार बात हुई। अंजू के प्रेमी नसरुल्ला का करीबी बताया जा रहा है। इससे क्या बात होती थी, इसकी गोपनीय पड़ताल की जा रही है। वही अंजू के कॉल रिकॉर्ड सहित खाते की भी, बैंक खाते की भी जांच होगी। ग्वालियर के बोना गांव के रहने वाले गया प्रसाद थॉमस की पुत्री अंजू राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान चली गई थी। भिवाड़ी में वो अपने पति अरविंद और बच्चों के साथ रह रही थी। पति और अन्य स्वजनों को बिना बताए वो पाकिस्तान चली गई। अंजू काम के सिलसिले में फेसबुक चलाती थी। साल 2020 में यही उसकी दोस्ती नसरुल्ला से हुई। पहले तो ये बातचीत फेसबुक मैसेंजर पर होती रही। दोस्ती कुछ और आगे बढ़ी तो कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हो गए। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर होने लगी। पिछले 2 साल से एक दूसरे से मिलना चाहते थे दोनों। पासपोर्ट भी बन गया, लेकिन अड़चन थी वीज़ा की। वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल था। अंजू ने दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में लगातार कोशिश जारी रखी। उधर इस्लामाबाद में नसरुल्ला विदेश मंत्रालय से लेकर दूसरे मंत्रालयों के चक्कर काटता रहा। दोनों ने लगातार 2 साल तक वीज़ा के लिए प्रयास किए। इसमें दोनों के काफ़ी पैसे भी खर्च हुए। आखिरकार अंजू को वीज़ा मिल गया और वो पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू जब से सुर्खियों में है तब से उसके परिवार और फैमिली बैकग्राउंड की खोज खबर ली जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।